इसराइल में बस ट्रेन सफ़र जब करे कौन सा गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इसराइल आना चाहते हो एज ए वर्कर, एज ए स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों का काम में आएगा। इस तरीके से आप लोगों को कार्ड टच करना है और 6 सेकेंड कट लिया। अगर आप 100 सेकेंड रिचार्ज करते हो तो आपको 150 सेकेंड मिलता है। इस मशीन से बहुत ही आसानी से आप लोग कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, मैं सीधे इसराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग पूरा ब्लॉग को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा जानकारी आज दूंगा मैं। दोस्तों, अभी आया हूँ इसराइल में। मेरा जो ट्रांसपोर्ट का जो कार्ड है, बस ट्रेन का जो कार्ड है, रफ का कार्ड, वो रिचार्ज कराने के लिए, कैसे रिचार्ज करवाना है, कैसे कार्ड रिन्यू करवाना है, कैसे कार्ड बनवाना है, तो ये सारे चीज़ें इस ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। और बस ट्रेन सफ़र जब करे कौन सा गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को बस या ट्रेन इस्तेमाल करना है, तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए। अगर आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसराइल से कुछ ब्लॉग दूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग उसको इमीडिएटली देख लो। तो दोस्तों, इसराइल में बस और ट्रेन इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं रफ कब कार्ड। ये सब हर किसी के पास होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट होता है। अगर आप 100 सेकेंड रिचार्ज करते हो तो आपको 150 सेकेंड मिलता है। ये जो स्टूडेंट रफ कब कार्ड है, या अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, पोस्ट डॉक हो, तब भी आपको ये कार्ड मिलता है, क्योंकि पोस्ट डॉक को इसराइल में स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। और ये रफ कब कार्ड दोस्तों 1 साल के लिए वैलिड है, पूरा 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो आज मैं जा रहा हूँ, मेरा रफ कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया, तो आज मुझे उसको फिर से रिन्यू करवाना है। रिन्यू करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट लगेगा, दूसरा आप जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो उसका आईडी लगेगा, और साथ में जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है उसका एक प्रूफ। कभी कभी देखते हैं, ये हर टाइम नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक पोस्ट डॉक हूँ, तो मेरा पोस्ट डॉक सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी से ही मिलता है, तो वो अगर आप चाहेंगे यूनिवर्सिटी से तो ऑफिस से आपको मिल जाता है, तो वो आपको दे देगा। तो एक है पासपोर्ट, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी का आई कार्ड, तीसरा है आपका यूनिवर्सिटी का जो आप स्टूडेंट हो कोई कोई एक डॉक्यूमेंट्स। तीनों चीज़ें आप जब लेके किसी भी जब सेंट्रल स्टेशन में जाएंगे, जैसे मैं रेहावत में हूँ, तो यहाँ पर रेहावत सेंट्रल स्टेशन में मैं जाऊँगा, यहाँ पे दे दूँगा, तो वो सारे चीज़ें वो लोग देखेगा और उसके बाद एक फ़ोटो खींचेगा। ये फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे तब ये होता है, और मेरा तो फ़ोटो ऑलरेडी खिंचा हुआ है, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है ये एक बार वेरीफाई कर लेगा कि हाँ मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ, और आई कार्ड देखेगा और पासपोर्ट देख के ये सारे बना देगा। उसके बाद मैं जब भी 100 सेकेंड रिचार्ज कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 150 सेकेंड। ये एक अच्छा बेनिफिट है, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए। ये रफ कार्ड इस्तेमाल करने का टाइम दोस्तों दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। जब ट्रेन में आप लोग सफ़र करेंगे तब तो जैसे इंडिया में मेट्रो में होता है, पहले आपको कार्ड जो है आपको टच करके फिर अंदर जाना है, तो फिर उसमें तो पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बस में आप जाएंगे, अगर लोकल में आप ट्रैवल कर रहे हो तो बस में पे करना है। आप जैसे ही बस में चढ़े तो उसके बाद बस में जो है मशीन्स रहते हैं छोटा छोटा, तो उस मशीन्स में आपको कार्ड टच कीजिए तो उसमें ऑटोमेटिकली कट जाता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप गलती से भूल गए हो और कार्ड टच नहीं किया, आपके पास TC आ गया, तो आपको 100 सेकेंड जो है जुर्माना कर देते हैं, फ़ाइन कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और फ़ाइन को भरते नहीं है। नॉर्मली फ़ाइन जाके भरना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, चालान काट देगा तो आपको जाके पोस्ट ऑफिस में भरना है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, भरते नहीं है। तो ये गलती आप लोग कभी मत करना दोस्तों, ज़रूर उसको पोस्ट ऑफिस में जाके 100 सेकेंड फ़ाइन देते हैं उसको भर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप भरे नहीं, और कभी मान लीजिए आपको इसराइल में बाद में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, या एयरपोर्ट में इमिग्रेशन या कस्टम में उन लोगों के पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन होता है,
वो आपको पकड़ लेगा। तो अगर आप ना चाहते हुए भी कभी आपका फ़ाइन लग गया तो आप लोग ज़रूर पोस्ट ऑफिस में जाके 100 सेकल फ़ाइन भर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, बाद में आप फंसोगे नहीं। जब विदिन सिटी 40 किलोमीटर के अंदर आप लोग ट्रैवल करोगे तो दोस्तों 6 सेकल लगता है, और एक सिटी से दूसरा सिटी वो तो डिपेंड करते हैं कितना दूर आप लोग जा रहे हो उसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जो रैप का कार्ड है तो जैसे ही आप लोग एक बार टच करोगे तो उसके बाद डेढ़ घंटा तक आपको और कोई मतलब टच नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अभी मान लीजिए 10 बज रहे, तो मैंने 10 बजे टच किया, एक बस से मैं गया, उसके बाद मैं फिर दूसरा बस में चढ़ा, फिर मैं तीसरा बस में चढ़ा, और वो डेढ़ घंटा के अंदर है तो उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, दोबारा वो नहीं चार्ज कटेगा। अगर डेढ़ घंटा क्रॉस हो जाता है उसके बाद फिर जब आप टच करोगे तो उसमें कटेगा। और सेम रैप का कार्ड आप बस के लिए, ट्रेन के लिए, जेरूसलम में लाइट रेल है वो यूज़ करने के लिए, या हाइफा में जो केबल कार है, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही कार्ड से कम चल जाता है। रैप कप का दो टाइप का सिस्टम है दोस्तों, रैप कप ऐप भी आता है, आप मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो वो ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत सारे मोबाइल पे वो ऐप सपोर्ट नहीं करते, जैसे मेरा मोबाइल पे वो ऐप सपोर्ट नहीं करते, तो इसीलिए मुझे जो है फिज़िकल कार्ड लेके जाना पड़ता है। अगर आपका मोबाइल पे रैप कप कार्ड का जो ऐप है वो सपोर्ट करते हैं तो आप मोबाइल से ही काम चला सकते हो हर बस पे। जैसे मैं बोला एक मशीन्स होता है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, इसी तरीके से QR कोड रहता है, तो आप जैसे ही बस पे चढ़े आपका मोबाइल पे वो ऐप ओपन कीजिए और QR कोड स्कैन कीजिए और आपका डेस्टिनेशन कहाँ जाना है क्या है वो सब दे दीजिए तो आपका पैसा कट जाएगा। इज़राइल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोस्तों बहुत अच्छा है, आप एक जगह से दूसरा जगह बस ट्रेन से बहुत स्मूथली आप लोग जा सकते हो। काफ़ी सारे टाइम में आप लोगों को बस और ट्रेन सफ़र करके दिखाया, वो सारे ब्लॉग चैनल में है, अगर आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इज़राइल में फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे पूरा दिन कोई बस ट्रेन नहीं चलता है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे, यहाँ फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे शाम तक यहाँ पे छुट्टी होता है, इसको बोलते हैं सबत। ये यहूदी लोगों का हर सैटरडे छुट्टी का टाइम है, इसको स्पेशल छुट्टी बोला जाता है, इसको सबत कहते हैं। सबत के टाइम पे कोई बस ट्रेन कुछ नहीं चलते, सब कुछ बंद है, और आपको देख के लगेगा कि बिल्कुल जो है एकदम लॉकडाउन चल रहे हैं। सबत के टाइम दोस्तों जब बस ट्रेन नहीं मिलता है तो आप लोग सेरूट यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए इमरजेंसी बेसिस पे आपको कहीं जाना पड़े तो उस टाइम सेरूट मतलब वैन टाइप का होता है, उसमें 10-15 लोग रहते हैं, वो स्पेशल सबत के टाइम पे चलते हैं, उसमें रेंट थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक है आपका काम उसमें चल जाता है। इमरजेंसी बेसिस पे आप चाहे तो वो ले सकते हो। बाकी जो कार्स है रेंटल कार्स वो तो है ही, जैसे मैं आप लोगों को बताया था जो गेट ऐप है वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो तो हमेशा है ही आपके पास, अगर ऐप डाउनलोडेड है तो आप इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं ये बस मैं कैसे रिचार्ज करूँ, कितना मतलब प्राइस लगते हैं, फेयर कितना है एक जगह से दूसरा जगह जाने में, तो मैं सोचा एक अलग से ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए डिटेल्स। अगर आप लोग इसराइल के बारे में इंटरेस्टेड हो, इसराइल के बारे में जानना चाहती हो, अगर आप इसराइल आना चाहते हो एज ए वर्कर, एज ए स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों का काम में आएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते मैं आके पहुंच गया हूँ रेहवत सेंट्रल बस स्टेशन में। यहाँ पे मैं मेरा जो रैप कप कार्ड है वो रिन्यू करा लूँगा और साथ ही मैं रिचार्ज भी करा लूँगा। रिचार्ज काफ़ी टाइम आप लोगों को दिखाया, अगर मौका मिले तो आज फिर से आप लोगों को एक बार रिचार्ज करके भी दिखाऊँगा। ये जो रेहवत सेंट्रल बस स्टेशन है, इसी तरीके से हाइफा में भी, जेरूसलम में भी, तेल अविव में भी, जो बड़े बड़े शहर हैं सब में सेंट्रल बस स्टेशन है, उधर जाके आप लोग ये रैप कप कार्ड बना सकते हो। और बाकी छोटा मोटा जगह पे भी जो बस स्टेशन है उधर भी ऑप्शंस होता है, आप लोग जाके बना सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे बसेस हैं, और रेहवत से अगर किसी भी दूसरा सिटी में आप लोग जाना चाहते हो तो आपको बस यहीं से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है रेहवत टर्मिनल, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर
रेहोबत टर्मिनल, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे 3, 4, ये हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 6। तो कौन सा प्लेटफॉर्म में कौन सा बस रुकेगा ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है। किसी भी जगह पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता है। और ये इतना बड़ा टर्मिनल से देखिए सारे बसेस जो है यहीं पे आके रुकेगा, जो नंबर लिखा है जिस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जाइए और आप लोग को बस मिल जाएगा। जो रेहोबत सेंट्रल मॉल है दोस्तों, मॉल के ग्राउंड फ्लोर में ही है रावकप का ऑफिस। तो मैंने रिचार्ज कराया, जस्ट 2 मिनट लगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखा, सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार स्कैन कर लिए और इमीडिएटली कार्ड जो है बना के दे दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरीके से मशीन होता है। आपको अपना रावकप का कार्ड रखना है, लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, आपको कितने का लोड करना है वो डाल लीजिए। मैं जैसे यहाँ पे लोड भेलू, मुझे 50 सेकेंड रिचार्ज करवाना है, तो देखिए मैं 50 सेकेंड यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ये जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे टच कीजिए, अपने आप जो है कट जाएगा। ये देखिए हो गया, इससे आसान क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुल दिखा रहे हैं, आपका टोकन यहाँ से आ गया। यहाँ पे देखिए मेरा 23.5 सेकेंड था, 50 सेकेंड रिचार्ज किया, 75 सेकेंड मिला, टोटल 98.5 सेकेंड हो गया, 33% मुझे एक्स्ट्रा मिला। देखिए इतना आसान है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरा स्टूडेंट रावकप कार्ड रिन्यू हो गया 1 साल के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो आप लोगों को बता दिया, कार्ड कैसे रिचार्ज करवाते हैं मशीन से वो भी आप लोगों को दिखाया। अब आप लोगों को बताएंगे कि बस पे चढ़ने के बाद कैसे ये कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, चलिए ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, ये देखिए ये है मशीन, ये हर बस पे 3-3 होता है। इस तरीके से आप लोगों को कार्ड टच करना है और 6 सेकेंड कट लिया, क्योंकि ये मैं विद इन द सिटी से चल रहा हूँ, तो इसीलिए। अगर आप लोगों को ऐप यूज़ करना है तो ये देखिए QR कोड आप लोग मोबाइल से स्कैन कीजिए तो आपका कट जाएगा। अगर आपको एक शहर से दूसरा शहर जाना है तो ड्राइवर के पास एक मशीन होता है, उधर जाके कार्ड दीजिए और कहाँ जाना है वो बताइए, तो वो आपको टिकट दे देगा। चलिए दोस्तों, बस भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये जो बस है ये दोस्तों लोकल बसेस है, यानी जो शहर के अंदर ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके का काफ़ी सारे USB पोर्ट होता है, जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आपका मोबाइल का बैटरी रिचार्ज करने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो येलो कलर का बटन है ये आप लोगों को कब दबाना है, जब मान लीजिए आपको नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है तब ये दबा दीजिए, तो ड्राइवर के पास एक लाइट जल जाएगा, वो रुक जाएंगे, आप आराम से नीचे उतर सकते हो। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे सवाल पूछे थे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, तो मैं सारे चीज़ें एक एक करके जितना भी मुझे याद आया सब मैं इस ब्लॉग में एक्सप्लेन किया हूँ, डिटेल आप लोगों को बताया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इज़राइल से कुछ और नया वीडियो लेके आऊँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग देख लो। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के और आप लोगों तक शेयर करने के लिए। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, बाय बाय।